थ्रेडी का फर्स्ट केस हमने लास्ट क्लास में देखा था, ये सेकंड केस देखें। सेकंड केस का फॉर्मूला जैसा कि इन्फिनिटी चैप्टर सेपरेटली हमने भेजा हुआ था आपको या आपने अटेंड किया होगा, उसका फॉर्मूला होता है ये सब्जेक्ट प्लस, यहाँ लिखा हुआ सब्जेक्ट प्लस हैव ये हैज ए हैव प्लस टू प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला होता है, याद होगा। तो इस फॉर्मूला पे एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ऊपर, जैसे कि देख लीजिए एक्टिव वॉइस केस सेकंड नोट कर लीजिए, एक्टिव वॉइस उसी तरफ पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में देखिए उसी फॉर्मूला पे आई हैव टू कट अ ट्री, दूसरा सेकंड है यू हैड टू टीच ए लेसन, थर्ड है राजीव हैज टू स्पीक, तीनों सेंटेंसेस हैं एक्टिव वॉइस के। अब इसको कैसे पैसिव में बदलेंगे, तो पहले हम लिख लें यहाँ पर सेंटेंसेस आ रहे हैं इन्फिनिटिव फर्स्ट केस, द एडवर्ब सेंटेंसेस आर इन इन्फिनिटिव फर्स्ट केस इन द फॉर्म ऑफ लिख दीजिए फर्स्ट केस समझते हैं, सॉरी इन एडवर्ब सेंटेंसेस द above sentences are in the form of ऊपर के सेंटेंस किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, इस फॉर्म में लिखे हुए हैं सब्जेक्ट प्लस ये हैज ए हेड प्लस ऑब्जेक्ट टू प्लस व्यू प्लस फुल स्टॉप। अब इनको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए टू चेंज दिस इनटू पैसिव वॉइस वी फॉलो करते हैं इसको इस फॉर्मूला को, ऑब्जेक्ट प्लस हैव ये हैज ए हेड प्लस टू प्लस बी प्लस बी थ्री प्लस फाइव प्लस, ये फॉर्मूला हम लोग फॉलो करें तो आपको दिखाएं कि किस तरह से लिखा हुआ है, ट्री हैज टू बी कट बाय मी, ये हो गया। दूसरा यू हैव टू टीच ए लेसन, लेसन हैड टू बी टॉट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है बाय यू, सॉरी इसमें ऑब्जेक्ट है बाय यू, यहाँ पे आप लोग ऐड कर दीजिए टॉट बाय, राजीव हैज टू स्पीक इंग्लिश और इंग्लिश उधर चला जाएगा, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग हो जाता है, इंग्लिश हैज टू बी स्पोकन बाय राजीव, किस फॉर्मूला को फॉलो किया इस यानी इस फॉर्मूला को चेंज कर दिया इस कोई दिक्कत होगी तो पूछना है। सेकंड केस है, चलिए इतना रहने देते हैं आज, नेक्स्ट क्लास में।